Friends, once again, let us come and study about a true Satyagrahi in your English book. Let us study about a true Satyagrahi in your English book. आज इस इंग्लिश की क्लास में हम एक ट्रू सत्याग्रही के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च एवरी ईयर। 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑन दिस डे द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट bestows the Nari Shakti Puraskar to celebrate the unsung women achievers of the country. Mahila Divas ke avsar par the Ministry of Women and Child Development, Bal aur Mahila Vibhag, Bharat Sarkar ke Bal aur Mahila Vibhag dwara Nari Shakti Puraskar diya jata hai, जो महिला जिन महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर योगदान की है। दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो अंडरटेकन टू एनकरेज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। यह नारी शक्ति पुरस्कार देकर के हमारे वर्तमान देश का जो एक मुखर एक बेहतर अभियान है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द डॉटर एंड एडुकेट द डॉटर, बेटी बचाओ और बेटी को शिक्षित करो। यह भी इस प्रोग्राम को भी प्रोत्साहित करता है। ऑन 8 मार्च 2018 द मिनिस्ट्री ऑनर द फर्स्ट लेडीज और द वुमेन हु हैव बीन द फर्स्ट टू एक्सेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। 8 मार्च 2018 ईस्वी को भारत सरकार की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 8 मार्च 2018 ईस्वी को फर्स्ट लेडीज अवार्ड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया। वे ये महिलाएं इस प्रकार से हैं, इनका नाम मैं आपको बताता हूं, इनके बारे में संक्षिप्त डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन भी बता रहा हूं। जो रामनाथ हमारे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के इन सम्मानित महिलाओं को अपने क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने के लिए पुरस्कृत किया है, वो है इंडियन एथलीट दीपा मलिक। छात्रों, आप शायद जानते भी होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे टेलीविजन पर, भारतीय एथलीट दीपा मलिक जो प्रथम महिला रही है, उनको पैरालंपिक गेम्स 2016 के लिए पुरस्कृत किया हमारे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीपा मलिक को। 2016 की उन्होंने फर्स्ट वुमेन है जो देश के लिए 2016 में पदक जीत कर लाई थी। दूसरी महिला है सायना नेहवाल, द फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर टू विन ए मेडल एट द 2012 समर ओलंपिक 2012 में सायना नेहवाल ने फर्स्ट बैडमिंटन
खेल में 2012 में उन्होंने भी मेडल जीत करके भारत की मान सम्मान को बढ़ाया है। इसके लिए भी हमारे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पुरस्कृत किया है। उसके बाद है थर्ड तीसरी महिला है छवि राजावत इज द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट वुमेन सरपंच ऑफ इंडिया। छवि राजावत राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच हैं। शी इज द हेड ऑफ ए विलेज कॉल्ड सोदा इन राजस्थान। राजस्थान में 14 गांव है जहां की प्रथम यंग महिला सरपंच बनी थी। उसके बाद फोर्थ महिला है फातिमा बीबी इज द फर्स्ट फीमेल जज हु बिकेम अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फातिमा बीबी देश की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज नियुक्त हुई थी। इनको भी हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कृत किया है। स्टूडेंट इन द नेक्स्ट क्लास आई टेक यू आवर गांधी जी जो ट्रू सत्याग्रही इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।